हेलो जी, नमस्ते सारे जो, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह मेरी बहन यहाँ पे फ्रेम बनाने का काम उसने छेड़ दिया था सुबह उठते ही, और इसके बाद उसको जाना था ऑफिस, तो कुछ ऑर्डर्स थे वो ये बना रही थी। मेरे किचन में आज बन रहा था, मैंने चाय चढ़ा दी थी चूल्हे के ऊपर, क्योंकि चूल्हे के ऊपर गैस के ऊपर चूल्हे की याद आ गई यार। मतलब ना चूल्हे का जो, चूल्हे पे खाना बनाने का जो मज़ा है ना, और उसके बाद उस खाने में जो टेस्ट है ना। एनीवेज, गैस पे मैंने चढ़ाया था, आज मैंने बनाया आलू का पोहा, आलू वाला पोहा, आलू का पोहा नहीं, और मैंने कुछ भी वेजिटेबल्स या कुछ भी नहीं डाला इसमें, सिर्फ आलू ही। पहली बार ट्राई किया मैंने और बहुत अच्छा बना था ये। ना मेरी सबसे छोटी बहन ना घर में बनाती थी ऐसे, बड़ा टेस्टी बनता था, मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आलू, मतलब एक नॉर्मल जैसे सब्ज़ी को तड़का देते हैं वैसे ही दिया पोहे के लिए। फिर मैंने पोहे को वॉश किया अच्छे से थोड़ी देर के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं, इसको डिप करके रखना होता तभी वो ऐसा अजीब सा बन जाता है, ऐसा घोड़ा जैसा। और मैंने ज़्यादा देर नहीं इसको डिप किया, दो मिनट हार्डली डिप करके पानी में, देन सीधा डाल दिया कढ़ाई के अंदर, और तभी ऐसे फूला फूला बनता है, अदरवाइज ऐसे बन जाती है इसकी खिचड़ी जैसी। तो पल्लू को जाना होता है ऑफ़िस, तो उसको लंच तो वो ऑफिस में करती है, पर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ चाहिए होता है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा हेल्दी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि लंच टाइम फिर लेट होता है। बोलते हैं ना हैवी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए सुबह सुबह। तो यहाँ पे मेरा खिला खिला हुआ सा पोहा तैयार है बनके, और इसको मैंने उसके बाद सजाया थोड़े धनिए से, और चाय भी मेरी बिल्कुल उबल उबल के बोल रही थी कि मुझे कृपया करके कप में डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने चाय भी डाली कप में, और ये बल अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो ये मैं उसको दे देती हूँ डेली थोड़ा थोड़ा चाय के साथ। सुबह वैसे खाती नहीं है पर कभी कभी खा लेती है। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि थोड़े फ्रूट्स भी लेके जाती है वो ऑफिस, तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स वगैरह धो के रखे। जैसे ही मैंने टिफ़िन देखा तो वो जूठा था, फिर टिफ़िन मैंने वॉश किया, पता नहीं जूठे टिफड़ा किए लिया घर जो, मतलब मैं जब वर्किंग थी तो मैं जूठे टिफड़, मतलब लंच कुछ भी मैं खाऊँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मतलब ऐसे जूठा बर्तन घर को लाना, कहीं ये जूठे ले आंदी। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स को निकाला और इनको धो दिया, पहले अच्छे से वॉश किया, और थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दिया ड्राई होने के लिए, टिफ़िन में फिर गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो तब तक मैंने निकाला ब्रेकफास्ट उसके लिए, अभी तक वो नहा धो के हो गई थी रेडी। फिर मैंने निकाले अपने कप, ये कप मुझे थोड़े पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि ना मुझे घर जाके आदत होगी स्टील के गिलास में चाय पीने की। अब उनमें क्या होता है ना, बहुत देर तक गर्म रहती है चाय, इन अच में जी ये पानी करने तो दो मिनट ही यहाँ रखा करने, चाय ठंडी है जा बड़े पानी से ही बनती। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इनको थोड़े दिन यूज़ करके, फिर मैं ना कहीं मॉल वगैरह जाऊँगी तो वहाँ से मैं वो लेके आऊँगी स्टील वाले गिलास चाय के लिए स्पेशली। मतलब स्टील के गिलास में चाय पीना एक इमोशन है। यहाँ पे तैयार हो चुकी है मेरी ब्रेकफास्ट की थाली, जिसमें है पोहा, और यहाँ पे हमारी रूममेट्स हुई है। कुछ लोग बोल रहे थे कि रूममेट से मिलाओ, तो सबको कैमराज नहीं पसंद होते हैं, और उनके साथ मेरी इतनी बॉन्डिंग भी नहीं है, मैं उनको इवन जानती भी नहीं इतना ज़्यादा, तो अभी मैं नहीं मिला सकती हूँ कभी इन फ्यूचर, क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसी नहीं है, वो बहुत कम बात करती हैं, है ना, तो अपने स्पेस में रहना उनको पसंद है। तीन चार दिनों में मैंने सिर्फ इतना ही जाना है उनके बारे में। तो यहाँ पर मैंने चाय पीना किया शुरू, पल्लू अभी भी काम कर रही थी, और उसके बाद मैंने उसको भी बोला कि भैया आ जाओ, और पोहा बहुत अच्छा बना था, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने कि अच्छा बना लूँगी मैं, क्योंकि पोहा बनाना ना मुझे पसंद है पर मतलब उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लगता है हल्का सा स्नैक। उसके बाद मैंने उसके फ्रूट्स पैक किए और लाइट की ऑफ, क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर सकते सुबह सुबह, किचन में डिस्टर्ब होता है इनको, ये थोड़ा लेट सोते हैं तो फिर लेट ही उठते हैं, तो ज़्यादा ठल ठल हम सुबह सुबह नहीं करते हैं। आज मौसम की बात अगर करें, इतनी गर्मी हो गई है ना यहाँ पे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ठंड से उठ के किसी ठंडे इलाके से आई हूँ, ऐसा लग रहा था कि ऐसे मैं ऐसे मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं पिछले साल वाली ज़िंदगी जी रही हूँ गर्मियों वाली, और यहाँ पर बहुत गंदी गर्मी होती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि ये अंकल, दूध वाले अंकल आ गए हैं ना, और मुझे घर की याद आ रही थी, मतलब इतने अंदर ना दुकान ते थैलियाँ ले आते फिर रखते हैं ना, घर क्या करती भी कि गाइयाँ दुत रही होंगी, गाइयाँ महंगी डोलू चका डेजट सारे। और मतलब डिफरेंस बहुत है ना टेस्ट में, ये थैली वाले जो दूध होता है इसमें पता नहीं क्यों मुझे स्मेल आती है, और जो घर का दूध होता है उसमें मतलब दिन रात का फ़र्क है, है ना, थोड़े से दूध आते हैं बढ़िया चाह बनती है, क्या आधी थैली आती चाह भी डाली नहीं बनती। तो आज मेरे फ्लावर बड़े फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको साफ़ सुथरा करके पानी दिया था। और यहाँ पे चलेगी पल्लू ऑफिस।
11 बज गए दिन के, थोड़ा काम करने का मोटिवेशन नहीं मिल रहा था तो सोचा कॉफी बना ली जाए, तो आज कॉफी पीने का मन हो रहा था। वैसे मैं कॉफी पर्सन नहीं हूँ बट पता नहीं क्यों आज मेरा मन हो रहा था कॉफी पीने का, तो मैंने बनाई मस्ती कॉफी। और थोड़ी सी फूलों से मोटिवेशन लेते हुए हम अपनी कॉफी पीते हुए उसके बाद हम करेंगे बहुत सारा काम। आज मैंने सोच लिया, आज मेरे ऑर्डर्स भी हैं वो भी मैंने पैक करना है, और यहाँ बैठ बैठ के कुछ नहीं बनेगा। वैसे मैंने रात को बहुत सारा काम किया, लेट नाइट मैं सोई हूँ आई थिंक 2 बजे, तो सोच रही हूँ आज ऑर्डर्स पैक कर दूँ और कुछ फ़ोटोशूट करने के लिए वो भी कर दूँ। लेजी सो रखी हूँ। तो काम वगैरह निपटा लिया मैंने और लंच भी कर लिया, और आज हमारे रूममेट चले गए घर। ये देखिए जाते हुए, इनका नाम है तान्या। और ना समय सोचे थोड़ी देर रेस्ट करूँ, सामने ना घर से आवाज़ आ रही। आज इनका बर्थडे था, हमने सोचा था कि रात को हम केक वगैरह कट करेंगे बट इनको ये चले गए अभी। बाकी अभी मैं सोचा मैं क्या करूँ, मैं काम वगैरह कर लिया, ऑर्डर भी पैक नहीं किए क्योंकि एड्रेस मैंने पल्लू से मंगवाया प्रिंट करवा के, वो आएगा शाम को। और कुछ काम भी नहीं है, थोड़ा कपड़े एडजस्ट करने थे, पर मेरा यार इतना शोर होता है ना सुबह से शाम तक, कुछ ना कुछ चला रहता है। दरवाजे खुले रखना तो मतलब ऐसा है कि मौत को। और कल ना उसने देखा कितना बड़ा लाटू लगा दिया ऊपर, लाटू इतना बड़ा लाटू कौन लगा दिया, मैंने नीला लाटू लगाया ना यहाँ पर, इतनी लाइट कर दी पूरे कमरे में भाई, लाइट लाइट। नहाऊंगी मैं पर अभी शाम को, तब तक सोच रही थोड़ा रेस्ट ही कर लेते, सो ही जाती हूँ। तो देखते हैं शाम को क्या करते हैं। अभी पिछले वाला ब्लॉग भी नहीं एडिट किया है, इतनी बेजी हो रखी, थोड़े कपड़े ऊपर भी उठा लूँ। रात के बज रहे हैं 8:30, और आज मेरे घर पे आए थे नितिन भैया और सारिका भाभी, और हम लोग ने बहुत सारी ढेर सारी गप्पे मारी। एक सेकेंड मैं एक्चुअली हम लोग अभी डिनर करने जा रहे हैं बाहर, यहीं पर बैठे थे सब, गपशप मार रहे थे, बहुत सारी गप्पे लड़ाई, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। मैं आपको मिलवाती हूँ, चलिए। जब से मैं आई हूँ आज आई थिंक ऑफिंग पे जा रही हूँ 4 दिनों बाद। इसको मिली है हमारी भाभी से। कैसे हुआ? इतने सारे गप्पे मारे, हमें टाइम ही नहीं मिला बना रहे, भूल गई। चलो अभी हम आगे बनाते हैं। भैया भैया आ गए अभी हमारे ड्राइवर भैया हमारे। हेलो भैया, आज मैं ब्लॉग करना भूल गई। हमने इतनी सारी गप्पे लड़ाई, मैं क्या 2 घंटे से बैठे हुए थे और ब्लॉग करना ही भूल गई मैं। अभी याद आया कि ओहो ब्लॉग तो किया ही नहीं आज, पहली बार मेरे घर आए थे। कैसा लगा आपको? ज्यादा बहुत मजा आया। झूठ बोल रहे? नहीं, सीरियस। हम लोग मिलते हैं तो मतलब गप्पों में ही निकल जाते हैं टाइम, किसी को भी नहीं दिमाग में। हाँ मेरे को खुद नहीं आया, मैंने फोन उठाया मैं, वो यार ब्लॉग तो किया ही नहीं आज। भैया सुनाओ कुछ नई ताजी, आज गाना हो जाए, सच में भूल गया तो दोनों साथ में। गाना तो बिल्कुल करेंगे। बड़े टाइम बाद मोहाली में हम लोग इकट्ठे हुए, 1 साल बाद है ना। बड़े मजे के मेरे बर्थडे पे मिले थे हम। हाँ भीड़ में ना, भीड़ में मिले थे हम। नहीं नहीं, उसके बाद आपके घर भी तो आई थी मैं, वो था लास्ट टाइम। बर्थडे था उस दिन। हाँ बर्थडे था भाभी का। हाँ याद आया मुझे। हाँ के बाद अभी मिल रहे हैं। हाँ ऑलमोस्ट 1 साल हो ही गया है ना। ठीक है तो अभी भैया भाभी हम चंडीगढ़ आए तो अभी शिफ्ट हो रहे हैं। मैं सोचा था अब सेवा करवाऊंगी तो अब ये जा रहे हैं। चलो वो हम रिवेल करेंगे एक ब्रेक के बाद कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, गा रहे हो गाना कि अभी गाना, नहीं गाना सुना देते, सुना दो फिर एक सफर और गाना। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बहार बन के जाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घोट
पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाऊं छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाओ क्लैपिंग, काश मैं भी इतना अच्छा गा पाती गाइस। और ये दोनों गाते हैं, सोचो इनके घर पे क्या माहौल होता होगा। अब भाभी के बारे में, इन्होंने इतना ऊंचा ले लिया, मैंने इसको उठाना था आगे। मैं थोड़ा थोड़ा नीचे से उठा। हाँ कोई नहीं, जैसे आपको सही लगता है। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चिराग जग मगा उठे, बस अपना मुझको रोकना, बस अपना मुझको रोकना, ना बढ़े के राह रोकना, अगर मैं रुक गई कहीं तो जाना पाऊंगी कहीं, यही कहोगे तुम सदा कि जी अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अरे 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आगे मौका लगा तो फिर गाएंगे गाना। अभी हम भटक गए हैं जरा रास्ता गाते गाते। आज हम आ गए हैं कलसंग में आफ्टर सो लॉन्ग। यहाँ की लाइटिंग को मैं बड़ा मिस कर रही थी। तो ये हम बाहर का एरिया घूमने आए थे, अभी हमने ऑर्डर दिया नीचे। यहाँ सर का भाभी भैया बैठे हैं नीचे, ये हम ऊपर वाले जो है सिटिंग उसको देखने आए थे। बहुत गर्मी है यहाँ पे है ना, क्योंकि शायद कुकिंग, हाँ कुकिंग हो रहा है ना उस वजह से। नीचे अच्छा है, खुला फ्रेश। इस कैफे का जो वाइब है ना बहुत अमेजिंग है। अभी तांबे का कर दिया, पहले स्टील का था। बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन है इनका, और सर्विंग का जो वो है ना वे अच्छा लगा आपको। आज भैया ने सारा चाइनीज मंगाया हमारे। अभी तो मोमोज ही आए हैं। क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे आ चुका है नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, और यहाँ पे बैठे फूडी लोग, फोकड़ लोग, जरा मोमो का तबला खत्म करके अब इस पे फोकस। आज चाइनीज खाने का मन था, जी भर के खाएं, जी भर के खा लिए साल भर का चाइनीज। खाना वगैरह डन, अभी हम जा रहे हैं घर। इतना ज्यादा खाया ना हम लोगों ने कि हमें वॉक करने की जरूरत पड़ गई। इनकी मेहरबानियां, इतना ऑर्डर कर दिया भाई। बोला चाइनीज खाना, चाइनीज इतना खा लिया कि अगले 2-4 महीने तक मन ही नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा, मन ही ना करेगा। हाँ एक बार खा लो, ऐसा खाओ कि अगले 5 महीने तक मन ही नहीं करेगा। सेक्टर में अभी जा रहे घर, हम पहुंच गए घर। लवली 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 टाइम, सच में बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। हाँ। पूरा घर वाला फील। गुड नाइट, चलो बाय, अभी पंचकुला पहुंचना है इनको। टाटा, ठीक है भैया, टेक केयर, आराम से जाना। तो रात के बज गए हैं आई थिंक 11:30, और मैं जब भैया भाभी चले गए थे उसके बाद मैंने आई थिंक 1 घंटा, 10 बजे आ गए थे मैं हम लोग घर, 1 घंटा मैंने कंटिन्यू वॉक किया। क्योंकि मैंने सच में बहुत ज़्यादा खा लिया था आज हम लोगों ने। और पल्लू की तबीयत थोड़ी ख़राब, वो दवाई लेके सोई अभी कने, बस यही आज उसको फीवर आ गया था, तो मैं उसके लिए खाना बना के गई थी, वैसे सिंपल घर का रोटी और सब्ज़ी, तो उसने खा ली थी। अभी दवाई खा के वो सो गई है, और मैं सोचा कि थोड़ी देर और वॉक करूँ, क्योंकि होता ना ज़्यादा खा के, मतलब चाइनीज़ मैंने आई थिंक आज 4 महीने बाद खाया, बट होता ना एक आत्मा तृप्त करने वाला वैसा वाला खाया डट के।
तो बड़ा मजा आया, यही था आज के व्लॉग में। और अभी तक पिछले वाला व्लॉग नहीं डाला मेरा, सोचो कितनी लेजी हूँ, आज पूरा दिन मैंने ऐसे टाइम वेस्ट किया। बस यही था आज के व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा, टेक केयर ऑल।